गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ़ यू। इस वीडियो में हम बात करेंगे सी टेट एग्ज़ाम 2022 के लिए, दिसंबर में जो आपका एग्ज़ाम होगा उसके लिए बाल विकास एवं शिक्षण शास्त्र यानी कि CDP के 30 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, जो कि सी टेट पेपर 2014 सितंबर में आया हुआ था। तो आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे, ठीक है। और हाँ, वीडियो पसंद आया तो लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और इससे पहले की जितनी भी वीडियो 2011 से डली हैं, 2011 में जो CDP के 30 क्वेश्चन आए थे 12-13 इस तरीके से, उन सभी का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां जाके चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है, संज्ञात्मक विकास निम्न में से किसके द्वारा समर्थित होता है। पहला है, जितना संभव हो उतनी आवृत्ति के संगत और सुनियोजित परीक्षाओं का आयोजन, ये ठीक है। पर सेकेंड ऑप्शन है, उन गतिविधियों को प्रस्तुत करना जो पारंपरिक पद्धतियों को सुदृढ़ बनाती हैं। तीसरा है, एक समृद्ध और विविधतापूर्ण वातावरण उपलब्ध कराना और सहयोगात्मक की अपेक्षा व्यक्तिगत गतिविधियों पर अधिक ध्यान केंद्रित करना। तो यहाँ पे संज्ञात्मक विकास निम्न में से किसके द्वारा समर्थित होता है। तो सबसे बेस्ट जो ऑप्शन है यहाँ पे, ये आपका है थर्ड, एक समृद्ध और विविधतापूर्ण वातावरण में एक बच्चे का संज्ञात्मक विकास बहुत ही बेहतर तरीके से हो सकता है, ठीक है। सेकेंड देखेंगे, सेकेंड में दिया गया, मानव विकास है मात्रात्मक, कुछ सीमा तक अमापनीय, और तीसरा है गुणात्मक, और चौथा है फर्स्ट एंड सेकेंड दोनों। तो इसका राइट आंसर फोर्थ ही है, फर्स्ट सेकेंड दोनों इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, इसमें दिया गया, प्रकृति पोषण विवाद निम्नलिखित में से किससे संबंधित है, आनुवंशिकी एवं वातावरण। ये बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है और सभी को पता भी रहता है, आई थिंक ये बिल्कुल आसान है। दूसरा है, व्यवहार एवं वातावरण, वातावरण एवं जीव विज्ञान, ये थर्ड ऑप्शन है। फोर्थ है, वातावरण एवं पालन पोषण। तो इसका राइट आंसर होगा, जो प्रकृति पोषण विवाद है वो आनुवंशिकता यानी कि जो आपकी हेरिडिटी होती है और ये इन्वायरमेंट से रिलेटेड है, फर्स्ट ऑप्शन राइट हो जाएगा। फोर्थ क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी सामाजिकरण की निष्क्रिय एजेंसी है, स्वास्थ्य क्लब, इको क्लब, परिवार, सार्वजनिक पुस्तकालय। तो फोर्थ का जो राइट आंसर होगा, फोर्थ का राइट आंसर फोर्थ हो जाएगा, जो निष्क्रिय एजेंसी है सार्वजनिक पुस्तकालय है, ठीक है। फिर इसके बाद देखेंगे फिफ्थ क्वेश्चन, वाइगोत्स्की के सिद्धांत में निम्नलिखित में से कौन से पहलू की अपेक्षा होती है, सामाजिक, सांस्कृतिक, जैविक और भाषाई। तो जो वाइगोत्स्की थे, इन्होंने सामाजिक स्तर का सिद्धांत दिया था कि बच्चा समाज में रह के ज़्यादा अच्छे से तरीके से सीख सकता है, और उसी सिद्धांत को सांस्कृतिक सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है, और इसे भाषाई उसमें भाषा का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल था। तो इसमें जो थर्ड ऑप्शन है जैविक, ये वाइगोत्स्की के सिद्धांत में मतलब उतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं था। तो आपका राइट आंसर जो होगा ये थर्ड हो जाएगा, ठीक। फिर सिक्स्थ देखेंगे, एक वर्ष तक के शिशु जब आँख कान व हाथों को सोचते हैं हाथों से सोचते हैं, तो निम्नलिखित में से कौन सा शामिल होता है। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, यानी कि बच्चा अपनी इंद्रियों के द्वारा अपनी प्रॉब्लम को बताने की कोशिश करता है, तो ये जो अवस्था होती है इसे बोलते हैं इंद्रिय जनिक गामक स्तर अवस्था, यानी कि राइट आंसर सेकंड है, ठीक है। नेक्स्ट सेवन देखेंगे, रिया कक्षा पिकनिक करने हेतु ऋषभ से सहमत नहीं है, वह सोचती है कि बहुमत के अनुकूल बनाने के लिए नियमों का संशोधन किया जा सकता है, यह सपाटी विरोध पियाजे के अनुसार निम्नलिखित में से किससे संबंधित है, विषमांग नैतिकता, संज्ञानात्मक अपरिपक्वता, प्रतिक्रिया सहयोग की नैतिकता। तो इसका जो राइट आंसर है यह आपका फोर्थ ऑप्शन है, ठीक। एंड नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा स्टर्नबर्ग का बुद्धि का त्रिस्तरीय सिद्धांत का एक रूप है, व्यवहारिक बुद्धि, प्रायोगिक बुद्धि, संसाधनात्मक बुद्धि, गणितीय बुद्धि। तो ये तो सभी को पता होगा, जो स्टर्नबर्ग थे उनमें बुद्धि का त्रिस्तरीय सिद्धांत का एक रूप कौन सा है, यह आपका फर्स्ट ऑप्शन राइट हो जाएगा, व्यवहारिक बुद्धि, ठीक। नाइन देखेंगे, किसने सबसे पहले बुद्धि परीक्षण का निर्माण किया है, डेविड वेस्लर, ये भी सिंपल क्वेश्चन है, अल्फ्रेड वीने, चार्ल्स एडवर्ड स्पीयरमैन, रॉबर्ट स्टर्नबर्ग। तो इसका राइट आंसर होगा अल्फ्रेड वीने, सभी को पता है। टेन क्वेश्चन, ध्वनि संबंधी जागरूकता निम्नलिखित में से किस क्षमता से संबंधित है, पहला है ध्वनि संरचना पर चिंतन करना व उसमें हेर फेर करना, दूसरा है सही सही व धारा प्रवाह बोलना, जानना समझना व लिखना, व्याकरण के नियमों में दक्ष होना। तो इसका जो राइट आंसर होगा
ध्वनि संरचना पर चिंतन करना व उसमें हेर फेर करना, यानी कि ध्वनि एक ऐसी चीज़ है जिसमें आप अच्छे से उसके बारे में जान के उसमें जिस तरीके से अपनी संरचना का चिंतन कर सकें और उसमें जब चाहें जैसे मतलब आप उसको घुमा फिरा के भी बोल सकें, तो इसका राइट आंसर फर्स्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, कक्षा में जेंडर विभेद, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हर बार एक क्वेश्चन यहाँ से आता है। पहला है शिक्षार्थियों में निष्पादन को प्रभावित नहीं करता है, बिल्कुल गलत है। शिक्षार्थियों में हास्योन्मुख प्रयासों अथवा निष्पादन का कारण बन सकता है। और तीसरा है पुरुष शिक्षार्थियों में वृद्धि उन्मुख प्रयासों अथवा निष्पादन का कारण बन सकता है। महिला शिक्षकों की अपेक्षा पुरुष शिक्षकों के द्वारा अधिक किया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ये होगा आपका सेकेंड ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक, 12 देखेंगे, निम्न में से कौन सा सीखने की शैली का एक उदाहरण है, चाक्षुष संग्रह तथ्यात्मक स्पर्श संबंधित। इसका राइट आंसर होता है चाक्षुष जो है सीखने संबंधी शैली का एक उदाहरण है। फिर इसके बाद 13 देखेंगे, एक शिक्षक कक्षा में कार्य को एकत्र करता है और उसे पढ़ाता है, उसके बाद योजना बनाता है और अपने अगले पाठ को शिक्षार्थियों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए समायोजित करता है, वह डैश 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 कर रहा है या कर रही है। टीचर जो है सीखने का आकलन, सीखने के रूप में आकलन, सीखने के लिए आकलन और सीखने के समय आकलन। तो ये जो होता है ये भी क्वेश्चन कई बार इससे रिलेटेड आता है। तो ये जो आकलन है ये सीखने के लिए आकलन है, मतलब बच्चा किस तरीके से सीखेगा उसके लिए ये किया जा रहा है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर थर्ड हो जाएगा। एंड नेक्स्ट देखते हैं 14, वे शिक्षक जो विद्यालय आधारित आकलन के अंतर्गत कार्य करते हैं उन पर अधिक कार्य का बोझ होता है क्योंकि उनमें सोमवार की परीक्षा सहित अवसर परीक्षा लेनी पड़ती है। उन्हें प्रत्येक विद्यार्थी को प्रत्येक विषय में परियोजना कार्य देना पड़ता है। और तीसरा है विद्यार्थियों के मूल्यों अभिवृत्तियों का आकलन करने के लिए रोजाना उनका सूक्ष्म अवलोकन करते हैं। और चौथा है व्यवस्था के लिए स्वामित्व की भावना रखते हैं। तो 14 राइट आंसर हो जाएगा, फोर्थ व्यवस्था के लिए स्वामित्व की भावना रखते हैं। ठीक, देखिए आपके सीटेट के एग्ज़ाम एकदम करीब है तो इसलिए मैं बहुत ही स्लो नहीं करा रहा हूँ, थोड़ा तेज़ी से चल रहा हूँ जिससे आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन देख सकें। ठीक है, ग्रेड अंकों से कैसे अलग हैं, यह प्रश्न निम्नलिखित किस प्रकार के प्रश्नों से संबंध रखता है, अपसारी विश्लेषणात्मक मुक्त अंत समस्या समाधान। तो 15 का राइट आंसर सेकेंड हो जाएगा, विश्लेषणात्मक। ठीक, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, सेकेंड। फिर 16 देखेंगे, छात्राएँ पहला गणित के सवाल अच्छे से सीखती हैं लेकिन उन्हें तब कठिनाई आती है जब उनके तर्क के विषय में पूछा जाता है। दूसरा, अपनी आयु के लड़कों की तरह गणित में अच्छी हैं। तीसरा है, अपनी आयु के लड़कों की तुलना में स्थानिक अवधारणाओं में कम कुशलतापूर्वक निष्पाद करती हैं। भाषिक और संगत संबंधी अधिक क्षमताएँ रखती हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसका ये देखिए गर्ल्स के लिए बोला जाता है, लोगों के मन में भावनाएं होती है कि लड़कियां मैथ्स में अच्छी नहीं होती, तो ऐसा कुछ भी नहीं है, लड़कियां भी लड़कों की तरह ही गणित में अच्छी होती हैं। तो सीटेट की तरफ से आंसर यही दिया जाता है। ठीक है, और होता भी यही है, ये तो हमारा मिथ है, हम अंदर से सोचते हैं ऐसा, लड़कियाँ मैथ्स में अच्छी नहीं होती। 17 है, शब्दों में अक्षरों के क्रम को पढ़ने में कठिनाई का अनुभव करना और अक्सर चाक्षुष स्मृति का ह्रास डैश से संबंधित है, डिसलेक्सिया डिसकैलकुलिया डिसग्राफिया डिसप्रेक्सिया। तो यहाँ पे अक्षर पढ़ने से संबंधित जो भी प्रॉब्लम आती है तो उसे क्या बोला जाता है, डिसलेक्सिया के नाम से ही जाना जाता है, फर्स्ट ऑप्शन राइट हो जाएगा। 18, सभी के लिए विद्यालयों में सभी की शिक्षा निम्नलिखित में से किसके लिए प्रचार वाक्य हो सकता है। तो सिंपल सी बात है, सभी के लिए शिक्षा, चाहे वो बच्चा किसी प्रॉब्लम में हो, मतलब जैसे कि नेत्र से कोई प्रॉब्लम हो या बॉडी से कोई प्रॉब्लम हो या अच्छा भी बच्चा हो कोई प्रॉब्लम ना हो, सभी के लिए समावेशी शिक्षा क्या बोलता है कि हर तरीके के बच्चों को एक साथ ही शिक्षा दी जाए। तो इसका राइट आंसर सेकेंड हो जाएगा। ठीक है, एंड 19 देखेंगे, 19 में दिया गया है, प्रवाह पूर्णता व्याख्या मौलिकता और लचीलापन डैश के साथ संबंधित तत्व है, प्रतिभा गुण अपसारी चिंतन त्वरण। 19 आंसर फर्स्ट हो जाएगा, प्रतिभा। फिर इसके बाद है 20 क्वेश्चन, प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को से जुड़े प्रश्नों पर अधिक समय देने के लिए कहा जाता है, स्मरण समझ सर्जन विश्लेषण। देखिए जो प्रतिभाशाली विद्यार्थी होते हैं उन्हें जितना ज़्यादा विश्लेषणात्मक क्वेश्चन रहेंगे उतना ही ज़्यादा तरीके से बच्चा, और सृजनात्मक भी दिया गया है तो उससे ज़्यादा बेटर सृजनात्मक हो जाएगा। सर्जन का मतलब यहाँ पे सृजनात्मक, जिससे कि बच्चे में अनेक तरीके के तर्क आ जाते हैं,
अलग अलग तरीके से सोच के आंसर को लिखने की कोशिश करता है। तो इस प्रतिभाशाली विद्यार्थियों के इस तरीके के प्रश्नों को देना चाहिए। तो इस तरीके से इसका राइट आंसर थर्ड हो जाएगा, क्लियर है। एंड नेक्स्ट देखेंगे, गणित में अधिक निर्योगता का आकलन निम्न में से किस परीक्षण द्वारा सर्वाधिक उचित तरीके से किया जा सकता है? अभिक्षमता परीक्षण, निदानात्मक परीक्षण, स्क्रीनिंग परीक्षण और उपलब्धि परीक्षण, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर होगा 21 राइट आंसर क्या हो जाएगा, सेकेंड हो जाएगा, ठीक है। तो इसका सेकेंड राइट आंसर हो जाएगा निदानात्मक परीक्षण, ठीक। अब देखेंगे नेक्स्ट, नेक्स्ट में हम नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिद्धांत चित्र के द्वारा नवीन अवधारणाओं की समझ बढ़ाते हैं, विषय क्षेत्रों के बीच ज्ञान के स्थानांतरण, और फिर नेक्स्ट है विशिष्ट विवरण पर एकाग्र केंद्रित करने, और थर्ड है अध्ययन के लिए शैक्षिक विषय वस्तु की प्राथमिकता तय करने, तर्कपूर्ण ढंग से सूचनाओं को व्यवस्थित करने की योग्यता को बढ़ाने। तो 22 राइट आंसर हो जाएगा फोर्थ, इसका जो राइट आंसर होगा ये आपका कौन सा हो जाएगा, फोर्थ। फिर इसके बाद है कि अल्बर्ट बंडूरा के सामाजिक अधिगम सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा सही है? खेल अनिवार्य है और उनमें विद्यालय में प्राथमिकता दी जानी चाहिए, बच्चों को सीखने के लिए प्रतिरूप मॉडलिंग का मुख्य तरीका है, और अनसुलझा संकट बच्चों को नुकसान पहुंचा सकता है, और संज्ञानात्मक विकास सामाजिक विकास से स्वतंत्र है। तो 23 जो राइट आंसर होगा इसका, 23 में देखिए जो अल्बर्ट बंडूरा थे इन्होंने ज़्यादातर मॉडलिंग से रिलेटेड बच्चों के ऊपर ज़्यादा ध्यान दिया था, मतलब प्रतिरूप मॉडल होना चाहिए। तो इसका राइट आंसर सेकेंड हो जाएगा, ठीक है। 24 नंबर देखते हैं, निगमनात्मक तर्कणा में शामिल है सामान्य से विशिष्ट की ओर तर्कणा, विशिष्ट से सामान्य की ओर तर्कणा, ज्ञान का सक्रिय निर्माण और पुनर्निर्माण, अन्वेषणात्मक सीखना और स्वयं खोजपरक संबंधी पद्धतियाँ। तो 24 राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट, सामान्य से विशिष्ट की ओर तर्कणा। 25 नंबर देखेंगे, जब बच्चे एक अवधारणा को सीखते हैं और उसका प्रयोग करते हैं तो अभ्यास उनके द्वारा की जाने वाली त्रुटियों को कम करने में मदद करता है, यह विचार के द्वारा। ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, पता होगा अभ्यास का नियम किसने दिया था, थार्नडाइक ने। तो इसका राइट आंसर फर्स्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा संवेगात्मक बुद्धि से संबंधित है? याद रखना, गति, प्रक्रमण, विचार करना, समानुभूति देना। तो 26 राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट, यहाँ पे समानुभूति है, ठीक है। तो ये इसका राइट आंसर फोर्थ हो जाएगा, 26 का फोर्थ। फिर 27, एक आंतरिक बल जो प्रोत्साहित करता है और व्यवहारपरक प्रतिक्रिया के लिए बाध्य करता है और उसकी प्रतिक्रिया को विशेष दिशा उपलब्ध कराता है। तो ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आंतरिक बल, इंटरनल, समझ सकते हो आप, इंटरनल मोटिवेशन की बात हो रही है, यानी कि अभिप्रेरणा। तो इसका ऑप्शन देख लेते हैं, अभिप्रेरणा, अध्यायवसाय, संवेग, वचनबद्धता। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अभिप्रेरणा, यानी कि मोटिवेशन। निम्न में से कौन सी शब्दावली प्रायः अभिप्रेरणा के साथ अंतर बदलाव के साथ इस्तेमाल की जाती है? पुस्तक, पुरस्कार, संवेग, आवश्यकता, उत्प्रेरण। 28 राइट आंसर हो जाएगा थर्ड, आवश्यकता। इसका राइट आंसर थर्ड हो जाएगा। एंड 29 देखेंगे, प्रेरणाएं अनुभूतियों के संतुष्टिकरण की अवधारणाओं तक पहुंचने और व्यक्तिगत लक्ष्यों को प्राप्त करने की आवश्यकता को संबोधित करती हैं, प्रभावी, भावात्मक, संरक्षण उन्मुखी, सुरक्षा उन्मुखी। तो 29 आंसर हो जाएगा सेकेंड, भावात्मक। इसका राइट आंसर भावात्मक हो जाएगा। एंड लास्ट क्वेश्चन है ये, निम्नलिखित में से कौन सा कारक अधिगम को सकारात्मक प्रकार से प्रभावित करता है? तो इसका राइट आंसर यहाँ पे देख सकते हैं, उत्तीर्ण होने, पहला ऑप्शन है उत्तीर्ण हो जाने का भय, सहपाठियों से प्रतियोगिता, अर्थपूर्ण संबंध, माता पिता की ओर से दबाव। तो 30 राइट आंसर हो जाएगा थर्ड, अर्थपूर्ण संबंध। तो ये थे CDP के 30 क्वेश्चन जो कि 2020 जो दिसंबर एग्ज़ाम होने वाला है उसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। वीडियो पसंद आया तो लाइक करिएगा, और हाँ एक चीज़ और बता रहा हूँ मैं, इससे पहले जितने भी पेपर हैं उन 2011 से मैंने वीडियो बना रखा है, आप डिस्क्रिप्शन में जाके चेक कर सकते हैं, मैं वहाँ पे लिंक दे दूँगा, प्लस आपको वीडियो का ऑप्शन मिलेगा नीचे जाके,
वहाँ से भी आप देख सकते हैं, ठीक है। और इससे यूपी टेट से रिलेटेड भी वीडियो हैं 2011 से, तो आप डिस्क्रिप्शन ज़रूर चेक कर लीजिएगा, ठीक है। वीडियो पसंद आया तो लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि इस टाइप की वीडियो आपको सही समय पर मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।